हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अमृता शेरगिल की भारत माता के बारे में पढ़ेंगे। और हमने जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी की भारत माता पढ़ी थी, उससे आगे हम पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे। तो आपने पहले ये देखा ही था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी की भारत माता है, एंड ये जो है ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है जिसका नेम भी भारत माता है। इसके अलावा एक और आर्टिस्ट था पूर्णा घोष, जो कि फेमस आर्टिस्ट था, उसने भी एक भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। बट तो आपको इन दोनों में डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा कि ये थोड़ी अच्छे वे में बनाई हुई है, एंड इसके आप कलर्स देख ही सकते हो कि कैसे उन्होंने यूज़ किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। अमृता शेरगिल्स वर्जन ऑफ भारत माता। अमृता शेरगिल जो है ये एक फीमेल आर्टिस्ट थी। ये जो आर्टिस्ट थी 20th सेंचुरी की ये आर्टिस्ट रह चुकी थी। तो जब ये 8 ईयर्स की थी तो तभी से इसने आर्ट के बारे में सीखना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो इसने ना बहुत सारी कंट्रियों में ट्रैवल भी किया हुआ था, वहाँ की आर्ट भी सीखी हुई थी, एंड इसकी पेंटिंग में थोड़ा सा वेस्टर्न लुक जो है, जो वेस्टर्न आर्ट है, उसकी झलक भी देखी जा सकती है। इसका जो स्टाइल है, टेक्निक है, वो थोड़ा वेस्टर्न आर्ट के जैसा ही रह चुका है। ये होगी थोड़ी सी इसकी डिटेल अमृता शेरगिल के बारे में। अमृता शेरगिल ऑल्सो पेंटेड मदर इंडिया, बट इट वॉज रियलिस्ट इमेज, क्रिटिकल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये जो भारत माता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अमृता शेरगिल ने भी पेंट किया। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भी पेंट किया, एंड अमृता शेरगिल ने भी भारत माता को पेंट किया। इसमें इसकी पेंटिंग में थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ी पॉवर्टी जो है वो शो की गई है। इसकी जो पेंटिंग है वो थोड़ी रियलिस्टिक लगती है। इसकी जो पेंटिंग है वो वेरी डाउन टू अर्थ बनी हुई है। शी पेंटेड भारत माता एज अ पुअर पीसेंट वुमेन विद हर पुअर चिल्ड्रन। यहाँ पे अमृता शेरगिल ने एक पुअर पीसेंट वूमेन को एज अ भारत माता प्रेजेंट किया है विद हर पुअर चिल्ड्रन। यू कैन सी कि जो पॉवर्टी है यहाँ पे पूरी दिखाई दे रही है। इनका ड्रेसअप देख सकते हो, इनका फेशियल ट्रीटमेंट जो है वो आप देख सकते हो कि कैसे पेंट किया हुआ है। तो पॉवर्टी जो है यहाँ पे साफ देखी जा सकती है। चिल्ड्रन, अ बॉय इन हर लैब एंड हर डॉटर बाय हर साइड। तो आप देख सकते हो कि एक बॉय है जो इसके लैप में है, मतलब इसके गोद में बैठा हुआ है। ये देखो कितना मतलब वीक लग रहा है। इसका जो हेड है आप देख सकते हो कितना बड़ा बनाया हुआ है, और इसके साइड में इसकी डॉटर जो है बैठी हुई है। ये कहीं पे खोई हुई है, कुछ सोच रही है, इसके माइंड में चल रहा है, एंड ये जो है ये इसकी तरफ देख रहा है। द एसेंस ऑफ द थीम इज़ द पॉवर्टी ऑफ रूरल इंडिया एंड द मूड इज़ सैड कॉज्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ हर सिचुएशन। तो यहाँ पे जो थीम पेंटिंग की जो आपको दिख रही है, एक तो ये पॉवर्टी आपको सारा दिख रहा है कि यहाँ पे पॉवर्टी आर्टिस्ट ने जो है शो की हुई है, और उसके अलावा जो इंडिया की जो रूरल इंडिया है, जो मतलब कि जो विलेज वाला एरिया है, वहाँ की जो मतलब सिचुएशन है उसके बारे में भी बताया कि कितनी पॉवर्टी जो है वहाँ पे देखी जा सकती है। जो मतलब इंडिया की जो भी सिचुएशन है, लाइक पॉवर्टी है, जो भी वहाँ पे चल रहा है, जैसे सैडनेस है, पॉवर्टी है, तो ये चीज़ जो है एक पेंटिंग में डिपिक्ट हुई है कि
जैसे एक इंडियन वूमेन दिखाई हुई है ना, इसका आप ड्रेसअप देख सकते हो तो पता चलता ही है कि इंडिया की है। तो एक तो ये इंडिया इंडिया का मूड पता चल रहा है, तो वहाँ की जो लोग है जैसे आप देख सकते हो कि जैसे कितनी पॉवर्टी जो है वो दिख रही है, इनका मूड देखो आप कितना सैड है बेचारे, कितनी फीलिंग है इनके मन में, मतलब कि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ मतलब पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ना रहने के लिए घर है, कुछ भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी पॉवर्टी है जो यहाँ पर शो की हुई है आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के थ्रू। It seeks to paint the average peasant Indian mother as an example of Indianness and the heart of the Indian culture identity. तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उसने क्या शो करना चाहा कि उसने एक तो पीसेंट इंडिया की मदर जो है वो चीज़ उसने दिखानी चाहिए अपनी पेंटिंग के थ्रू, एक एग्जांपल दी उसने। और जो इंडिया का हार्ट है, जो इंडियन हार्ट है, जो भारतवासियों का दिल है कितना साफ़ है, वो चीज़ अपनी पेंटिंग में दिखाई। और जो इंडिया का कल्चर है उसको भी आइडेंटिफाई जो है अपनी पेंटिंग में किया है। आप देख सकते हो कि कैसे कि कितनी पॉवर्टी जो है दिखाई हुई है। फिर पूर्णा घोष कौन था, ये एक आर्टिस्ट था, तो इसने भी भारत माता जो है बनाई थी। तो एक होगी अवनिंद्रनाथ टैगोर जी की, दूसरी है अमृता शेरगिल की, और तीसरी जो है वो इसने पेंट की थी। अनदर आर्टिस्ट पेंटेड भारत माता बेस्ड ऑन अ सॉन्ग बाय द्विजेंद्र लाल रॉय हु रेफर टू हिज मदरलैंड एज भारत जननी हु राइजेज फ्रॉम ब्लू सीज एंड हैज़ हिमालयाज एज हर क्राउनिंग ग्लोरी। तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट ने, अनदर फेमस आर्टिस्ट ने भी भारत माता पेंटिंग जो है वो पेंट की है। जैसे अवनिंद्रनाथ टैगोर जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी की पोइम वंदे मातरम की इमेजिनेशन करके पेंट की थी, ऐसे ही सेम इसने भी द्विजेंद्र लाल रॉय जी की पोइट्री, उसका जो गीत है, उसका जो सॉन्ग है, उसके बेस्ड पर ये पेंटिंग जो है पेंट की थी। द्विजेंद्र लाल रॉय इसको डी एल रॉय के नेम से भी जाना जाता था, एंड ये बंगाली पोइट और प्ले राइट एंड म्यूजिशियंस थे। इन्होंने हिंदू मिथोलॉजी और नेशनल हिस्टोरिकल प्ले पर बहुत सारे सॉन्ग जो है वो गाए थे, एंड ये उन्हीं की वजह से फेमस हुए थे। और इन्हीं के जो गीत था भारत जननी, उसी से इंस्पायर्ड होके पूर्णा घोष ने जो पेंटिंग है भारत माता वो बनाई थी, जिस भारत जननी है मतलब भारत की जो माता है वो ब्लू सी से, मतलब एक ब्लू समुंदर से ऊपर उठती हुई जो है दिखाई हुई है। एंड जो मतलब कि लाइक जैसे हिमालय सबसे ऊंचा होता है ना, तो वो भी ऐसे ही सबसे ऊपर दिखाई हुई है। घोष डिपिक्ट अ लेडी राइजिंग फ्रॉम ब्लू वाटर वेयरिंग अ ब्लू साड़ी होल्डिंग अ शेप ऑफ repented lay paddy crown on her head symbolizing the himalaya representing india as a flourishing land of agriculture। तो जो घोष की पेंटिंग बनी है उसमें से एक वूमेन जो दिखाई है एज अ भारत माता, जो कि ब्लू सी से मतलब नीले समुंदर से ऊपर उठती हुई दिखाई है, और जिसने हेड पे क्राउन पहना हुआ है जो कि हिमालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिमालय पर्वत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने ब्लू कलर की साड़ी जो है वो वेयर की हुई है, और हाथ मतलब कि उसको पकड़ा, जिसने ब्लू साड़ी पहनी है और उसको पकड़ा भी, और उसके सिर पे ताज है कि जो सिर पर जो ताज है वो मतलब हिमालय को भी शो करता है, एंड जो एग्रीकल्चर है, जो मतलब कि कृषि है, मतलब जो खेती बाड़ी लोग करते हैं उसको भी वो फ्लरिशिंग करता है, मतलब आगे बढ़ाता है उसको भी, काफ़ी समृद्ध, काफ़ी मतलब ज़्यादा स्पेस में वो दिखाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।